हेलो स्टूडेंट्स, आज हम समानता श्रेणी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और महत्वपूर्ण जो क्वेश्चंस हैं उनको कराएंगे। सभी बच्चे इसको नोट्स बना लें और उनको कैसे सॉल्व करना है इनको वीडियो में ध्यान से देखें और फिर इसको आप खुद करने की कोशिश करें। तो इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर वन है कि एक समानता श्रेणी में का सार्वान्तर होगा। तो यहां समानता श्रेणी क्या दी हुई है? चार, दस, सोलह, बाईस, अट्ठाईस। तो इसका सार्वान्तर, सार्वान्तर निकालने के लिए दूसरे पद में से पहले पद को घटा दिया, कितना आ गया? सिक्स। तो सही आंसर कितना हो जाएगा इसका? सिक्स बी। सेकंड क्वेश्चन में यदि समानता श्रेणी का प्रथम पद ए और सार्वान्तर तीन हो तो एपी के तीन पद होंगे। तो यहां देखिए ए कितना दिया हुआ है? दो, और सार्वान्तर कितना दिया हुआ है? तीन। तो प्रथम तीन पद, प्रथम तीन पद कौन कौन से होंगे? ए, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी। तो क्या हो जाएगा? ए कितना दिया है? दो, दो प्लस तीन, दो प्लस दो गुणे तीन। तो यह इसका मतलब आ जाएगा आपका दो, पांच और आठ। तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? दो, पांच, आठ बी आंसर है। अब हम तीसरा देखते हैं क्वेश्चंस। तीसरे में यदि समानता श्रेणी का सामान्य पद थ्री एन प्लस फाइव हो तो सार्वान्तर होगा। तो यहां देखिए एनवा पद दिया हुआ है थ्री एन प्लस फाइव। तो पहला पद कितना हो जाएगा? तीन गुण एक धन पांच, कितना हो जाएगा? आठ। और दूसरा पद कितना हो जाएगा? तीन गुण दो धन पांच, कितना? ग्यारह। ठीक है, तो हमको क्या चाहिए? सार्वान्तर। तो सार्वान्तर जो होता है उसका मान होता है दूसरे पद में से पहले पद को घटा दो। दूसरा पद कितना है? ग्यारह, और पहला पद कितना है? आठ। तो इसका मान आ जाएगा तीन। तो सही आंसर क्या होगा इसका? तीन। क्लियर। तो इसमें ऑब्जेक्टों में आपको चार विकल्प दिए हैं, लेकिन इसका सही आंसर क्या होगा उसको देखने के लिए आपको रफ में इसको सॉल्व करके देखना पड़ेगा। ध्यान रखें, और कैसे सॉल्व करना जो आपको वीडियो में दिख रहा है तो इसी तरह से आपको प्रैक्टिस करना है। अगला क्वेश्चन है कि किसी समानता श्रेणी का छठा पद और बारह पद, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। छठा पद टी सिक्स कितना होता है? ए प्लस सिक्स माइनस वन इंटू डी, कितना दिया हुआ है? थर्टीन। और बारहवा पद कितना होगा? ए प्लस 12 माइनस वन इंटू डी, कितना दिया हुआ? 25। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, यानी जो हो जाएगा ए प्लस 11 डी इक्वल टू 25 और ए प्लस 5 डी इक्वल टू 13। हम क्या करेंगे? घटाने पर क्या हो जाएगा? ये माइनस चिन्ह हो जाएगा, ए और कट गया, कितना बचा? 6d इक्वल टू 12। तो d इक्वल टू हो जाएगा 12/6 इक्वल टू 2। तो d का मान पता चल गया आपको। अब हम देखते हैं कि
ए प्लस 5d इक्वल टू कितना दिया हुआ था 13, तो इसमें d का मान रख दो, तो a इक्वल टू 13 माइनस 10 इक्वल 3, तो a का मान कितना है 3 और d का मान कितना है 2, तो ये a और d के मान पता चल गए। अब हमको क्या ज्ञात करना है, बीसो पद निकालना है, तो बीसो पद का क्या फॉर्मूला जाएगा a प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी, इसमें a का मान रख दीजिए, a का मान है 3 और ये हो जाएगा 19 और d का मान है 2, तो ये हो जाएगा 3 और 38 कितना 41, ये आंसर हो गया आपका। तो इसमें देखिए सही आंसर कहाँ है 41 ये दिया हुआ है, ये इसका आंसर है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि श्रेणी का कौन सा पद 27 है, तो यहां पर देखते हैं ए कितना दिया हुआ है 5 और डी कितना दिया हुआ है 7, दूसरे पद में से पहले पद को घटा दिया 2। अब हमको ये वाला फार्मूला पता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसमें एल का मान है 27, ए का मान है 5 और एन माइनस 1 और डी का मान है 2, इसको आप सॉल्व करिए तो एन माइनस 1 इंटू 2 इक्वल टू 27 माइनस 5 इक्वल टू 22, तो एन माइनस 1 हो जाएगा 22 बटे 2 बराबर 11, तो n इक्वल टू है 11 प्लस 1 इक्वल टू 12, तो सही आंसर क्या है इसका 12, 12वां पद। क्लियर। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि यह समांतर श्रेणी दी है तो पदांतर का मान निकालना है, तो हम छठवे को देखते हैं पदांतर या सार्वांतर, सार्वांतर, तो सार्वांतर के लिए क्या करेंगे दूसरे पद में से पहले पद को घटा दो, दूसरा पद कितना है 5 और पहला पद है 1 कितना आ जाएगा 4, तो सही आंसर इसका 4 है। ठीक है, अब हम सातवां क्वेश्चन देखते हैं कौन सी समांतर श्रेणी है, तो समांतर श्रेणी में हम पहला देखते हैं ए, तो इनमें अंतर देखेंगे कितना हो जाएगा ए टू माइनस ए वन कितना 4 माइनस 2 बराबर 2 और ए थ्री माइनस ए टू कितना है 8 माइनस 4 बराबर 4, इसका मतलब ये सार्वांतर जो है डी एक सा नहीं आ रहा, बराबर नहीं आ रहा, इसका मतलब ये समांतर श्रेणी नहीं है। इसी प्रकार से हम बी वाला देखते हैं, इसका बी, तो बी में देखते हैं डी कितना होगा टी टू माइनस टी वन, तो दूसरा पद है माइनस 6 माइनस माइनस 10 कितना हो गया 4 और एक टी थ्री माइनस टी टू, तीसरा पद है माइनस 2 और ये माइनस 6 बराबर 4, तो इसमें यह सार्वांतर सभी पदों के लिए एक सा रहा है, इसलिए इसका सही आंसर कितना हो जाएगा 6 के लिए बी, तो आंसर क्या है इसका सही बी। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चे कि 0 और 50 के बीच में विषम संख्याओं का योगफल, तो श्रेणी कैसी होगी आपकी एक 3, 5, 7 और आखिरी विषम संख्या 49, तो इसमें प्रथम पद कितना हो जाएगा ए बराबर कितना 1 और सार्वांतर
सर्वांतर d इक्वल टू 3 - 1 = 2। तो हमको योगफल निकालना है, तो सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि पदों की संख्या कितनी है। तो पदों की संख्या के लिए आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो यहां पर 49 दिया है और a का मान 1 है, n माइनस 1 इंटू d का मान 2। तो यह आ जाएगा आपका n माइनस 1 इंटू 2 इक्वल टू 48। तो n माइनस 1 इक्वल टू 48 अपॉन 2 इक्वल टू 24। तो n इक्वल टू 25। ठीक है, अब हमको n पदों का योगफल निकालना है, तो s 25 निकालना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, 25 अपॉन 2 प्रथम पद, कौन सा फॉर्मूला लगता है, एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2 ए प्लस एल। तो यहां पर n का मान 25 रख दिया और प्रथम पद है 1 और अंतिम पद है 49। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 25 अपॉन 2 और ये हो जाएगा 50। तो ये हो जाएगा 25 × 25 = 625। तो इसमें सही आंसर कितना हो जाएगा, 625। क्लियर। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि समांतर श्रेणी की चार संख्याओं का योग 40 है और उनकी पहली और चौथी संख्या का अंक 90 है, तो संख्या बताइए। तो हम देखते हैं, कि पहले देखिए कि पहली और आखिरी संख्या का गुणनफल 91 किस में आ रहा है। तो हम यहां ए वाला चेक करते हैं, क्या करेंगे, सबसे पहले चेक ए करेंगे। तो पहली संख्या और आखिरी संख्या का गुणनफल कितना हो गया, 7 * 21 = 2 = 91। तो 91 आ रहा है और चारों संख्या का योग 7 + 9 + 11 + 13 कितना हो गया, 7 और 13 = 20 और 9 और 11 = 20 = 40। ये भी सही है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है क्या हो जाएगा आपका, ए। ठीक है, ओके, थैंक यू।